आलू लो, प्याज लो, तोरी लो, लौकी लो, ले लो ले लो। अरे अरे गर्ग साहब, क्या बेच रहे हो जी? मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल प्लाट ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। ये देखिए, ये है घरों की मंडी। घर लो, एक लो, दो लो, चार लो, दस लो। हाँ जी रूबी जी, बताइए कितने घर लेने हैं, कितने दिलवाने हैं लोगों को? सर ये जूटू के सामने सोसाइटी है जिसमें 5000 प्लॉट है। 5000 घर हैं, 500 आ गए, 4500 बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। तो बिल्कुल आलू प्याज मूली की तरह बिक रहे हैं। दम है तो ले लो, अगर आप में दम है तो दो लो, ज़्यादा दम है तो 5 लो, 10 उठाओ, किराए पे लगाओ, खुद रहो, दम का दम। ठीक है ना जी? एक आता था ना शाहरुख खान का 10 का दम, हाँ, तो वो 10 के दम वाली कहानी है। देखो जी, घर ही घर है, ये घर घर का खेला चल रहा है ग्रेटर नोएडा में। किराए पे 3000 से 3500 के बीच में। हाँ जी, और बाकी अगर वैसे खरीदना है तो 9 लाख रुपए से शुरुआत हो जाती है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, द्वितीय प्रॉपर्टी भाई साहब से बात करवाते हैं। वो मेरठ से आके अपनी सुविधाएं यहाँ दे रहे हैं कि शहर बस जाए। भैया जी नमस्कार। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका जी? देव कुमार। देव कुमार जी, जी। हाँ दोस्तों, ये देव कुमार को हमने पकड़ लिया। अरे 10 दिलवा दे, 10। देव कहते 10 क्या जी, 100 ले लो गुरु जी, मूड बनाओ, बिल्कुल मूड बनाओ, 100 ले लो, पैसे बताओ, 9 लाख रुपए में ले लो, घर ले लो 9 लाख में। गर्ग साहब अंदर से कैसा है? आओ जी अंदर से भी दिखाते। चलो मैडम दिखाओ जी। देखो जी, नए नए पौधे लग गए, जब तक 2-4 साल में बच्चे बड़े होएंगे ये बिल्कुल, ये तो बड़े बड़े घने पेड़ बन जाएंगे, अभी ताजे ताजे लगे हैं। अंदर से 9 लाख का माल कैसे आपको दिखाते हैं? आओ बच्चों तुम्हें दिखाए घर 9 लाख रुपए वाला। दो जी अंदर से घर कैसे है, तो जी मुझे दे दो जी। अब में 500 लोग आ चुके हैं, मतलब की 5000 घर इधर है, 5000 उधर है। अभी फिलहाल हम इधर वाले 5000 घर दिखा रहे हैं और बहुत लोग आ गए हैं। कोने वाले तकरीबन ग्राउंड में तो तकरीबन सारे लोग आ ही गए हैं। यहाँ क्या खेला हो रहा है? घर घर का खेला हो रहा है। और नीचे बाइक पार्किंग दी हुई है सरकार द्वारा, सारे फ्लैटों के लिए बाइक पार्किंग दी हुई है। पे जिन लोगों का बजट बिल्कुल कम है, बल्कि बिलो मिडिल क्लास लोग हैं और मिडिल क्लास लोग रहते हैं यहाँ पे, समस्या कोई नहीं है। यहाँ पर बिजली पानी सीवरेज सब फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। सीवरेज भी है, बिजली भी है, पानी भी है, और रोड्स भी प्रॉपर है। और देखिए जी, जो लाइटें हैं सोलर ऊर्जा से चलती हैं, बैटरियां टंगी हुई हैं पोल के ऊपर। देखिए देखिए सड़कें ऐसी हैं, इधर से दिखे ऐसा नहीं है। अंदर भी रोड्स काफी खुली खुली चौड़ी चौड़ी हैं, स्पेस काफी है। ये बाइक पार्किंग की हुई है, बाइक पार्किंग की जगह दी हुई है। हो जाएंगे, अभी तो फिलहाल मेंटेन नहीं है पार्क।
ये ले लो, उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्री तो आई थी बगल में, बाद में कुछ नहीं मिलना है। बहुत घर है, 5000 घर बहुत हो जाते हैं। धर्म पब्लिक स्कूल भी है तो सोसाइटी के बच्चों को भी दिक्कत नहीं है, स्कूल जाने की प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों के लिए। वैसे इसके अगल बगल में गांव में जगह लेगी, कोई भी चीज बना लो, दुकान बना लो किराने की या स्कूल बना लो, तो सारी उम्र की रोजी रोटी का जुगाड़ है। अगर आप अपने लिए यहाँ कुछ भी बना लो तो सारी उम्र रोजी रोटी का जुगाड़ है। मेन गेट से बाहर निकल के आपको बाहर का सीन भी दिखा देते हैं। 9 लाख में ये मेरे ख्याल से तो पूरी डील नहीं है कि आपको सरकारी घर मिल रहा है बना बनाया, और जीएसटी का आपका 7-8% और खर्चा हो जाएगा। तो ये है आपका, ठीक है जी। तो अभी मैं आपको गेट और मेन एंट्री और दिखा देते हैं इसकी सोसाइटी। घर चारों तरफ बने हुए हैं, गांव के परली तरफ भी बने हुए हैं। देखिए घर ही घर है, मतलब ऐसा नहीं एक तरफ है, घर चारों तरफ बने हुए हैं। गेटेड सोसाइटी है, गेट लगे हुए हैं। तो यहाँ से इसका एंट्रेंस है मेन रोड से, जहाँ से आप इसके अंदर जा सकते हैं। और ये जैसे ही सोसाइटी से बाहर निकले सामने इंडस्ट्रियल एरिया, सामने इंडस्ट्रियल एरिया आ गया जहाँ पे ये सब कुछ बन रहा है। ये सारा DMRC का एरिया आ गया, सारा रेलवे ट्रैक और ये सारा कुछ जो आना है वो सारा यही आना है। यहाँ पे बस अड्डा, रेलवे ट्रैक सब कुछ यही है। सारा इंडस्ट्रियल एरिया सारा। तो देखिए वो सोसाइटी है जहाँ से हम अभी आ रहे हैं वापस, तो सारे का ठेका भी है पास। अंग्रेजी होती थी शराब का ठेका। ऐसे ही प्यार बनाए रखें, देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे शेयर हमारा करें। जिसे कोई कम बजट का बंदा हो लेना चाहता तो शेयर करें। ऐसे हमारा 9 लाख रुपए में कहां घर मिलता है। ओके सर, जय हिंद जय।